हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लाया हूँ जॉन डियर 5055 C टर्बो टर्बो मॉडल। इसका क्या है, जो इस सामने बुशिंग आप देख सकते हैं, इसका जो बुश है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, स्पिंडल भी ख़राब हो चुका है, स्पिंडल आर्म भी ख़राब हो चुका है। इसको हम जो है नया डालेंगे, बुशिंग किस तरीके से किया जाता है बुशिंग भी आपको दिखाएंगे। पूरा गाड़ी का जो है सामान जो जो चाहिए वो बदल देंगे और बुशिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से बुशिंग किया जाता है गाड़ी में। पहले तो हम जैक को ऊपर चढ़ा लेंगे, क्योंकि जैक नहीं चढ़ने से चक्का नहीं निकाल पाएंगे। देखिए इसका जो चक्का है बहुत जाम चलता है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। पावर स्प्रिंग है, उसकी वजह से भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। अभी जैक को उठा के चक्का को निकालेंगे बाहर। देखिए चक्का को निकाल रहे हैं हम, पहले इसका जो कटोरी है कटोरी को ठोक के निकाल लेंगे। देख सकते हैं कटोरी निकल गया है, तगड़े में रखो। अभी इसमें एक लॉक है, लॉक को निकालेंगे प्लस की मदद से। देखिए लॉक को निकाल रहा है चक्का का। अभी इसका जो चिकनाट है चिकनाट निकालेंगे। देखिए चक्का का जो बैरिंग, ये चक्का निकल गया बाहर, दो बैरिंग है इसमें। देख सकते हो दोनों चक्का बाहर निकल लिए हैं हम। अभी इसका जो आराम है, आराम का बोल्ट खोल के स्पिंडल जो है बाहर निकाल देंगे। देखिए 19 नंबर जो बोल्ट है आराम का, वो बोल्ट को हम खोल रहे हैं। खोलने से जो स्पंडल है स्पंडल बाहर तरफ आ जाएगा। इसका जो है जो बुश पूरी तरीके से खराब हो चुका है, बुश को हम दिखाएंगे जो किस तरीके से बुश इसमें खराब हो गया है। देख सकते हैं बोर्ड निकाल दिए हैं, अभी स्पंडल जो है धीरे धीरे बाहर आ रहा है। देख सकते हैं जो स्पंडल है, अब स्पिंडल पूरी तरीके से जो है इसका जो दाता अब देख सकते हैं खराब हो चुका है। स्पिंडल को हम नया डालेंगे, इसका दाता एकदम खराब है। इसका भी दाता आप देख सकते हैं, ये भी दाता खराब हो चुका है, इसको भी हम नया डालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें बुश है ही नहीं, बुश पूरी तरीके से खराब होके गिर गया है। अब देख सकते हैं पूरा घिस के खत्म हो चुका है बुश। अब देख सकते हैं इसका जो बेयरिंग है पूरी तरीके से थ्रस्ट बैरिंग खराब हो चुका है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं ये जो है इसमें पूरा बैठ चुका है, इसको निकालना पड़ेगा। निकल के इसको ठीक करके हम फिटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फिक्स हो गए ऐसा जो बैरिंग यहाँ पे। दूसरा स्पंडल भी हम खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको निकालने से स्पिंडल जो है नीचे गिर जाएगा आराम से, आराम से। देख सकते हैं इसका जो बुश है, बुश का आप कंडीशन देख सकते हैं, बुश एकदम पतला हो गया है पूरी तरीके से। इसका भी जो थ्रस्ट बैरिंग है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरा है ही नहीं इसमें पूरा बैरिंग, आप देख सकते हैं। इसका जो आराम है, आराम भी खत्म हो चुका है, देख सकते हैं आप पूरा दाता इसका घिस गया है। देखिए जैसे कि बोला थे हम, इसका आराम घिस गया है। अभी जो है इसका ये जो आई बीम है, आई बीम को हम बाहर निकालेंगे।
अभी बाहर निकलने के लिए इसका जो ये आप देख रहे हैं सेंटर पिन का लॉक, लॉक को खोल के लॉक ऐसी ये बूश जो है बूश को नट बोल्ट के द्वारा टाइट करने से बूश बाहर आ जाएगा, तो हम सेंटर पिन को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो आई बीम है, आई बीम पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। अब देख सकते हैं खोल रहा है, दो बोल्ट है इसमें, दो बोल्ट को कसने से आराम से वो बाहर आ जाता है। देखिए दोस्तों जो बोल्ट है उसको टाइट करने से अब देख सकते हैं गैप हो रहा है, यहाँ पे भी गैप हो रहा है दो जगह। अब ये क्या है, निकल रहा है, ये बूश है एक ठो। देखिए दोस्तों आई बीम जो है मैंने बूश को निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं जो बूश है बाहर तरफ निकाल दिया हूँ। अभी जो पाइप है, पाइप निकल के आई बीम को नीचे उतारेंगे। उसके लिए मेरे को ये जैक का जो पाइप है आप देख सकते हैं, पाइप को दोनों खोलना पड़ेगा। पावर स्टीयरिंग का जो पाइप है देख सकते हैं पाइप, जैक को भी नीचे उतारूँगा। जैक का भी जो बैरिंग है आप देख सकते हैं, बैरिंग भी ख़राब हो चुका है, बैरिंग को भी बदल दूँगा। देखिए दोस्तों ये जो मैं इसका जो बोल्ट है इसको भी निकाल दिया हूँ, अभी वो दूसरा बोल्ट खोल रहा है। देख सकते हैं इसको जैक का आयल, दोनों आयल निकाल लेता हूँ बाहर, आप देख सकते हैं। जेक निकालने के बाद ये जो आई बीम है, आई बीम को बाहर निकालेंगे हम। देखिए दोस्तों इसे जैक जो है खोल दिए हैं हम, आयल गिर रहा है, अभी आयल में हम बाल्टी लगा देंगे। अभी जो आई बीम है आई बीम को उतारेंगे नीचे। देखिए इसका जो आई बीम है, आई बीम निकाल दिए हैं हम, अब देख सकते हैं आई बीम, इसका बूश घिस गया है आगे से, बूश भी नया डाल देंगे। सेंटर पिन निकालो, ये सेंटर पिन इसका देख सकते हैं, देख सकते हैं इसका जो बैरिंग है पूरा चिपक गया है, इसको वेल्डिंग की मदद से बैरिंग को निकालेंगे दोनों में, देख सकते हैं। उसके बाद गाड़ी आपको फिटिंग करके दिखाएंगे किस तरीके से, हम बुशिंग करके आपको दिखा देंगे। देखिए जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ का जो वॉशर है, वॉशर को वेल्डिंग से निकाल लिए हैं हम, अभी तो आप देख रहे हैं बुश को काट के निकालेंगे। तो इस तरीके से बुश जो है मदद से काट के निकाल रहे हैं, देखिए बुश, दो बुश मैंने निकाल लिए हैं। इसमें क्या है, बुश पहले से घिस के खराब हो चुका है, बुश इसमें है ही नहीं दोनों में। अब इसको थोड़ा साफ करके बुश डाल के कटिंग करके बुशिंग को बैठा देंगे।
अब डीजल से तो साफ कर लेंगे इसको। देखिए इसका बूश नया जॉनडियर कंपनी का बूश है, उसको किस तरीके से हो चुका है दूसरा बूश। देखिए बूश मैंने पूरा फिटिंग कर लिए हैं। अभी इसका जो स्पैंडल है आप देख सकते हैं, स्पैंडल देखिए नहीं घुस रहा है, थोड़ा हम इसको कटिंग कर लेंगे रिमर की मदद से। ये रिमर है आप देख सकते हैं रिमर। देखिए इसका बुशिंग हो चुका है आप देख सकते हैं। जो स्पैंडल है मैंने हल्का जाम रखा है स्पैंडल को, देखो पूरी अच्छी तरीके से स्पैंडल काम कर रहा है। अब इसको साफ करके बैरिंग डाल के फिटिंग कर देंगे। देखिए बैरिंग MZF का है आप देख सकते हैं, इसका रेट 135 रुपये फर्स्ट बैरिंग। ऐसे शोरूम से लेने जाएंगे तो 450 रुपये एक बैरिंग। इसको भी ग्रीसिंग करके स्पैंडल में अभी डाल के फिटिंग कर देंगे इसको इस तरीके से।
ठीक है, मैंने जो बैरिंग का कोन है उसको बैठा लिया है नीचे, आप देख सकते हैं। अभी इसका छर्रा, अभी और एक तो कोन आप देख सकते हैं, दो कोन है इसमें। अभी स्पेंडल में थोड़ा ग्रीस, बुश में स्पेंडल में थोड़ा ग्रीस लगा के फिटिंग कर देंगे इसको। देखिए स्पेंडल को थोड़ा जाम रखे हैं बुश को, इसको हल्का ठोक के घुसा देंगे, देख सकते हैं ये हो गया, आप देख सकते फ्री है। हल्का टाइट करके नहीं डालने से क्या है बुश जल्दी खराब हो जाता है। अभी इसको गाड़ी में सेट कर देंगे हम, देख सकते हैं मैं पूरा स्पंडल फिटिंग कर लिए हैं। अभी जो सेंटर पिन है इसको भी ग्रीसिंग व्रीसिंग कर लिया हूं, अभी इसको फिटिंग करेंगे गाड़ी के साथ, उसके बाद आपको फिटिंग करते दिखाएंगे किस तरीके से बुशिंग किया जाता है और फिटिंग किया जाता है गाड़ी। देख सकते हैं मैंने सेंटर पिन को बैठा दिए हैं, आप देख सकते हैं पूरा बैठा दिया है। जो बोल्ट है 16 नंबर का बोल्ट, दूसरा जो बोल्ट है इसमें लगाया हूँ TVS वाला, इसका क्या है जो बोल्ट मिला नहीं है। स्टीयरिंग आराम है, आराम को डालेंगे, ये जो खासा है खासा को ध्यान रख के आराम को फिटिंग करना है। उसके बाद जो बोल्ट है 19 नंबर का, बोल्ट की मदद से टाइट कर देंगे इसको। देखिए टाई रॉड वाला आराम है, इसको भी सेटिंग करेंगे हम, ये खासा को ध्यान रख के। इसको फिटिंग करके जो बोल्ट है 19 नंबर उसको भी फिटिंग कर देंगे। अभी चक्का को फिट करेंगे, देखिए अभी चक्का को फिटिंग करेंगे। ये बैरिंग है, अभी चेक नट, अभी गाड़ी आपको चालू करके दिखाएंगे जो किस तरीके से स्टीयरिंग में काम कर रहा है और किस तरीके से बुशिंग किया जाता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए हालांकि मैंने पूरा चक्का उक्का सेट करके कंप्लीट कर लिए हैं, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेगा। अरे बाबू स्टार्ट करो, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, ब्रो देख सकते हैं। किस तरीके से बुशिंग आप कर सकते हैं।